एक मूवी आई है वक्त संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की। यह मूवी मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस पर बेस्ड है। जब आप मूवी देखेंगे तो आप भी सस्पेंस थ्रिलर के जोन में चले जाएंगे। फिल्म का यही ट्विस्ट इस फिल्म को अलग बनाता है और शायद ऑडियंस को भी अपनी ओर खींचने में भी कामयाब है। मूवी को देखते हुए एक बार आपके दिमाग में अजय देवगन की मूवी दृश्यम 2 की याद जरूर आएगी। आपने मूवी का ट्रेलर देखा होगा। ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया है जिसमें संजय मिश्रा पुलिस वाले को अपना बयान दे रहे हैं। वह पुलिस वाले से कहते हैं कि उन्होंने उसे पीस दिया है और पुलिस वाला हंसने। फिर सबसे पहले मूवी के प्लॉट पर बात करते हैं। मूवी की स्टोरी रिटायर्ड टीचर शंभुनाथ मिश्रा यानी संजय मिश्रा और उनकी पत्नी मंजू मिश्रा यानी नीना गुप्ता के अराउंड घूमती है। दोनों अपने बेटे प्रजापति यानी सौरभ सचदेवा का बेहतर करियर बनाने के लिए विदेश भेजते हैं और उसे बेटा विदेश में सेटल हो जाता है। लेकिन उसे माँ बाप की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। आर्थिक परेशानियों से जूझते माँ बाप की जिंदगी में उस समय टर्न आता है जब वे एक मर्डर मिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। इस मूवी में एक कैरेक्टर ऐसा भी जिसने एक गुंडे का रोल प्ले किया है। इस कैरेक्टर की हरकतें आप जब मूवी में देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा जैसा मुझे लगा था मूवी देखते वक्त कि इसके कान के नीचे दो लगाने का मन करे। मूवी में एक ऐसा सीन भी है जिसे पूरा नहीं दिखाया गया है, बस आपको साउंड सुनाई देगा, बाकी तो आप समझ गए हो। मूवी के पिक्चराइजेशन की बात की जाए तो जसपाल सिंह संधू और राजीव ने मूवी का फ्लो बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। हालांकि मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है जो थोड़ा इरिटेट भी करता है, वहीं मूवी का सेकंड हाफ इफेक्टिव है और मिस्ट्री वाले एंगल में ग्रास पर पकड़ बनाता है। मूवी में ओल्ड कपल के इमोशंस को मिस्ट्री के साथ बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया है। इसे फर्स्ट हाफ में कंस्ट्रक्ट किया जा सकता था और फ्लो को और बेहतर बनाया जा सकता था। आपको सस्पेंस पसंद है और एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखने की सोच रहे हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। हमने वध किया है, वध।